आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल बट इफेक्टिव वेज के बारे में जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो भाई ट्रस्ट मी और नॉट बट तुम पहले से काफी सेक्सी दिखने वाले हो और तुम ना भीड़ से काफी अलग दिखने वाले हो मतलब अगर कहीं सौ बंदे खड़े हैं ना अगर तुम इन टिप्स को फॉलो कर लो तो भाई उन सौ में से ना तुम एक अलग ही दिख रहे हो गो है ना तुम्हें ज्यादा नोटिस करेंगे और लोग तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे और लोग तुमसे काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और ये जो चीज़ है वो पॉसिबल हो सकती है जस्ट तुरंत तुम्हें करना क्या है कि जैसे ये वाली जो वीडियो है इसको लास्ट देखते रहना है बिल्कुल थोड़ी सी भी स्किप नहीं करना है हम बिना किसी जरिए शो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शो ऑर पर्सनैलिटी विथ योर फैशन शोस अबे यहाँ पर ना अगर तुम मार्केट वगैरह में जाते हो तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना कि भाई उनकी जो स्टगल होती है ना वो कैसी भी हो स्कल मतलब कैसी भी हो लेकिन उनका जो फैशन सेंस होता है जो उनका ड्रेसिंग सेंस होता है ना भाई वो तुम्हें काफी अट्रैक्ट कर देता है और बस तुम्हें यही तो चाहिए ही और लोग यही तो चाहते ही हैं अगर तुम्हें भीड़ से अलग दिखना है तो भाई तुम्हें ना अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी अपना फैशन सेंस इंप्रूव करना पड़ेगा जिससे तो जो लोग हैं ना तुमसे अट्रैक्ट हो पाए और अगर तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो अच्छा हुआ तो भाई जो लोग हैं ना तुम्हें उसी नज़र से देखते हैं और लोगों ने ये पता चलता कि भाई जो बंदा है ना इसमें कुछ ना कुछ तो बात है इसकी शक्ल कैसी भी हो लेकिन बंदे को ड्रेसिंग सेंस की नॉलेज है अपने फैशन सेंस की नॉलेज है और बस इसी चीज से ना तुम्हारी जो वैल्यू होती है ना वो लोगों की नज़र में काफ़ी ऑपर चली जाती है और लोग तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं अब यार तुम्हें पता है कि यार मेरी तरह तुम भी एक मिडिल क्लास बंदे हो और हम यार बहुत ज्यादा ऐसे महंगे महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं

तुमने यहाँ पर खुद ही देखा कि यार जो बैड बॉडी पॉस्चर होते हैं ना वो कितना ज्यादा गंदा लगता है और ऐसी में अगर जो हमारा बॉडी पॉस्चर है वो सही हो जाता है तो हम कितने ज़्यादा एट्रैक्टिव लगते हैं पहले से काफी हम सेक्सी दिख रहे होते हैं जैसे यहाँ पर तुम जान मुझके अपना जो बॉडी पॉस्चर है वो खराब कर दो तुमने अपनी जो हैबिट है वो गंदी बना रखी है तुम बार बार ऐसे झुक झुक के रहते हो जो कि जिससे तुम्हारा जो बॉडी पॉस्चर बिल्कुल सही नहीं लगता और तुम्हारी जो ओवरऑल पर्सनलिटी होती है ना वो काफ़ी खराब लग रही होती है जैस तुम्हें करना है क्या कि अपना जो बॉडी पॉस्चर है वो अच्छा रखना जैसे तुमने लाइव एज्जाम्पल देख ही लिया मेक श्योर शोल्डर बैक होनी चाहिए चेस्ट बाहर निकली होनी चाहिए और स्ट्रेट खड़े करो और स्ट्रेट चला करो जिससे तुम काफी अट्रैक्टिव दिखने वाले हो नो no मैटर तुमने कितनी भी महंगे कपड़े पहन रखे हो कितनी महंगी लगा रखी हो कितनी भी अच्छी तुम्हारी शक्ल हो बट अगर तुम्हारा बॉडी पॉस्चर अच्छा नहीं है और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे और जो लड़कियां ना तुम इग्नोर क्या कुछ भी नहीं दिख पाओगे तो मेक श्योर ऐसी गलती बिल्कुल मत करो अपने जो बॉडी पॉच्चर है उसको स्ट्रेट करो अच्छा रखो तुम काफी सेक्सी दिखने वाले हो छमक छल्लो की तरह कर दी ना मजे बात नंबर थर्ड मस्ट हैेंस भाई तुम्हें पता है कि मैं ना फ्रेग्रेस और परफ्यूम वगैरह आजकल ना बहुत इंपॉर्टेंस देने लग गया हूँ आज चल गया मतलब बहुत टाइम पहले से देता हूँ जस्ट तुम्हें इसका रीजन पता है क्या अभी बताता एक्चुअली मैं ना कहीं गया हुआ था और उस टाइम मतलब मैं ऐसे नॉर्मली बन के गया था मैंने कोई भी परफ्यूम वगैरह नहीं लगा रखा था और ना मैं उस टाइम पे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता था बट जैसे एक बंदा इंटर करता है जो कि मस्त सा बंदा था एकदम सूट टूट पहन के आया बंदा खतरनाक सा बंदा दिख रहा है मस्त भीड़ वगैरह लगी पड़ी है वो बंदा अंदर इंटर करता है और एंटर करते ही ना भाई वो बंदा ना सबको अट्रैक्ट कर देता है मतलब उसकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो तो ऑन द पॉइंट थी ही मतलब वो काफी अच्छा दिख रहा था उसकी जो सकल है वो भी काफी अच्छी थी मतलब सब कुछ सही था लेकिन यहाँ पर उसकी जो फ्रेगरेंस है ना भाई वो बहुत सारे बंदों को अट्रैक्ट कर गई थी मतलब लड़कियां तो दूर की बात लड़कों को भी अट्रैक्ट कर गई थी मतलब मैं खुद भी अट्रैक्ट हो गया था जैसे ही वो बंदा अंदर एंटर किया ना भाई उसके साथ जो उसकी खुशबू आई है ना वो भाई मतलब माशा क्या होता उसने जो फ्रेगरेंस लगा रखा था भाई वो काफी तगड़ा था मतलब वैसे सॉलिड ही नहीं था लेकिन उसकी फ्रेगरेंस है ना वो काफी अच्छी थी और वो लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही थी और मतलब मैं खुद बताऊँगा मैं खुद भी ये सोच रहा था भाई अगर उसके पास बैठने का मौका मिले ना तो भाई काफी पॉजिटिव आई हुआ क्योंकि वो बंदा ना हर चीज से पॉजिटिव है अपनी ड्रेसिंग सेंस से और अपनी हाइजीन से जस्ट ये सब जो तो चीज़ें वो फ्रेगरेंस कर देती है तो तब से आज वो वेगरेंस को मैं काफी इंपॉर्टेंट देने लग गया और बिना फ्रेगरेंस लगाए मैं बाहर कहीं निकलता ही नहीं और फ्रेगरेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनलिटी में तुम कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो लेकिन और तुम्हारे अंदर से गंदी बदबू आ रही होगी पसीने की बदबू आ रही होगी भाई जो तुम्हारी पर्सनलिटी वो डाउन चली जाती है मेक श्योर मेरे अच्छा जो परफ्यूम है ना वो जरूर यूज करो जिससे तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी वो काफी अच्छी होगी और तुम दिखने में काफी फॉल्ट लगने वाले और किसी भी लड़की को तुम काफी जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे नंबर फोर्थ जिम जाओ जिम जाओ अभी भाई तुम्हें ना ऐसा लगता हो कि बहन जो मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं मैं ही हूँ सबसे अच्छा मेरी बॉडी फिट है मतलब कपड़े मेरे पे अच्छे आते हैं मैं खाते पीते घर का हूं मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ कपड़े तो फिट आते हैं मैं दिखने में अच्छा लगता हूँ मैं अमीर घर का लगता हूँ भाई ये सब जो चीजें हैं वो तुम सिर्फ अपने आप को बोल के अपने आप को सुना के ना तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो बट जिस दिन तुम्हारे सामने कोई फिटेड बंदा आएगा ना मतलब जो जिसकी बॉडी बिल्कुल फिट होगी बिल्कुल मस्त से शोल्डर निकल रहे होंगे चेस्ट निकल रहे होगी खतरनाक उसकी बॉडी होगी तो भाई तुम ना उसके सामने शर्म महसूस करोगे की मेरा पेट निकला पड़ा है और वो बंदा है कितना ज्यादा लग रहा है उसे जो बॉडी वो कितनी ज्यादा शेप में उसके कपड़े कितने सही आ रहे हैं जस्ट तुम क्या कर रहे हो या तो तुम्हारा पेट निकला पड़ा है, या तो तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा अंदर मतलब तुम कुपोषण का शिकार हो या तो फिर तुम बहुत ज्यादा मोटे हो या फिर तुमने अपना पेट निकाल लिया है तो भाई ऐसे में अगर तुम पब्लिक के सामने खड़ा होते ना तो पब्लिक तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करने वाली और लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि खा खा के पेट निकाल रखा है और जो कि अगर हमारी जो एज है ना भाई इस टाइम पर अगर तुम्हारा पेट निकल रहा है तो भाई ये बहुत जो फनी बात है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए मैं खुद बताऊँ तो भाई कभी भी अपनी जिम मिस नहीं करता जस्ट बिकॉज क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कभी भी इस जो जो पेट ना वो निकल जाए मतलब मैं ऐसे पेट ले ले नहीं करता और हमेशा मैं करता हूं और मैं तुम्हें भी यही कि भाई कभी भी मिस मत करना कोई भी बहाना मत बनाना आईनो की विंटर वगैरह आ चुकी और बहुत से बंदे ना वो घर बैठ जाएंगे ठंड का बहाना लगा के बट जिसको जिम करनी है वो करेगा ही और जिसको अपनी बॉडी बनानी बनाएगा ही तो तुम चाहते हो किसी बंदे के सामने तुम्हारी बेजती ना हो जो बंद मत हटा हो गया है जिम करता है

कुछ ना कुछ नई चीजें सीखें और और वो कुछ हमेशा कुछ जिंदगी में नया करें और बच्चों की बात तो दूर वो खुद ही हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं अगर एक फील्ड कंप्लीट हुआ तो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं जिससे कि उनकी जो लाइफ होती है ना वो काफी अच्छी होती है उनका जो फ्यूचर होता है वो काफी ब्राइट होता है या तो वो बुक्स पढ़ते हैं या तो अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं बट वहीं पर एक जो मिडिल क्लास बंदा होता है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना भाई वो ऐसा चीजें बिल्कुल भी नहीं करती वो जस्ट इसी वजह से और भी काफी डाउन चले जाती है और जो भी गरीब होते हैं ना वो और भी काफी गरीब बंदे चले जाते हैं क्योंकि वो कोई भी नई चीजों का ऑब्जर्व नहीं करते नई चीज़ों पर अपना जो ध्यान है वो नहीं देते और बस उनके अंदर ये होता है कि बहन जो जो लाइफ चल 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 रही है, हमारी चल रही हमारी है और एक ना एक ना दिन चल अच्छी जॉब मिल जाएगी और हम बस सेटल हो जाएंगे बट भाई जिंदगी सिर्फ यहां तक तो नहीं होती है मैं खुद की बात होता हूं तो मैं ना कभी भी अपनी लाइफ को स्टेबल करके नहीं रखता मैं आज बहुत सारी चीज सीख रहा हूं कुछ चीजें मैं सीख भी चुका हूँ और कुछ नई चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज है जैसे मैं काफी टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ फैशन में और मेरे को टेक्निकल भी की बहुत अच्छी खासी नॉलेज है कंप्यूटर फील्ड वगैरह में और मोबाइल फील्ड वगैरह में या फिर मैं अपना फाइनेंशियल एडुकेशन जो होता है ना वो ही बिल्ड कर रहा हूँ मनी इन्वेस्ट कहाँ करनी है कैसे करनी है और ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है बहुत सारी चीजों क्लासेस ले रहा हूँ बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा जस्ट बिकॉज मेरा जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट हो और कभी भी ना ऐसे रोड पर ना भीख मांगने की जरूरत ना पड़े जस्ट तुम्हें भी अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना पड़ेगा और आज से वो मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें मैं खुद बताऊँ तो भाई मैं ना ऑलरेडी काफी जगह पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर चुका हूँ ताकि मेरा जो आने वाला फ्यूचर है ना वो काफी ब्राइट हो और मैं वो कहीं ना दर बदर भटक के ना भीख मांगने की जरूरत ना पड़े तो ये सब चीजें वो तुम्हें आज से सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करो उसको अच्छी